आशा से ना बैठो। अरे शाहजैन, एक प्रॉब्लम हो गई है यार। क्या मैंने ईमेल की थी ना? प्रेजेंटेशन देखो इनबॉक्स। यार वो मैं बताया था ना कि मेरी फैमिली हैदराबाद गई हुई है यार। वो आज वापस आ रहे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे, इसीलिए तुम्हें कहीं और कमरा देखना पड़ेगा, वो भी आज ही। आज मैं इतनी जल्दी किसी जगह का बंदोबस्त कैसे कर सकता हूँ? तुम तो जानते हो यार, मैं मेरे पास और कोई जगह नहीं है रहने को। यार मैंने एक दो हॉस्टल में बात की है, मगर वहाँ पे कोई रूम खाली नहीं है। तुम भी ट्राई करो प्लीज, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें कहीं ना कहीं रूम मिल ही जाएगा। कहाँ ट्राई करूंगा यार मैं, तुम तो जानते हो मेरी सिचुएशन। कैसे दोस्त हो यार तुम, तुमसे मदद मांगनी नहीं चाहिए थी मुझे। शाहज़ैन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। पर मेरी भी मजबूरी है, मेरी फैमिली है यार, और मुझसे जितना हो रहा है उतना मैं कर रहा हूं। बुरा मत मना दोस्त। बस बस, बार बार फैमिली फैमिली मत करो। करता हूं मैं कुछ। यहां प्रॉब्लम है, क्यों बार बार फोन करी मुझे तुम? सॉरी, आप कहाँ हैं? कहाँ हो सकता हूँ मैं, मलाल के घर पे और कहाँ पे हूँ मैं? तुम क्यों बार बार इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? छोड़ क्यों नहीं देती मुझे और मनाहिल को अकेला तुम? प्लीज आई विल टेक केयर सर, ख्याल रखना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी और मनाहिल की खुशियों को आग लगाने की कोशिश मत करो। और तुम किसको रिपोर्ट देती हो? बाबा को है ना? आप मनाहिल के घर नहीं हैं, क्योंकि मैं मनाहिल के घर के बाहर खड़ी हूं। मुझे ये भी पता चला है कि आप कुछ दिन पहले ये घर छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि मनाहिल ये घर बेच के अपनी वालदा के साथ अमेरिका जा चुकी है। अब प्लीज मुझसे झूठ मत बोलें और मुझे सच सच बताएं कि आप कहाँ हैं। क्या करोगी जान के तुम? खैर तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, फाइनली मनाहिल मुझे छोड़ के चली गई। नहीं चाहती थी कि मैं गलत साबित हो जाऊं, तुम लोग सही। मैं तुम जाके बता दो सबको, खास तौर पे बाबा को बता देना कि उनका बेटा बेघर हो चुका है, कुछ नहीं रहा उसके पास। खुशियां मनाओ जाके तुम लोग।